Please press the subscribe button, tap on the bell icon, and never miss an update from. सो हे व्हाट्स हैपनिंग गाइस, पीजी हियर। सो वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 ब्लॉगिंग ऐप्स। तो अगर आप लोग एक नए ब्लॉगर हैं या आप लोगों ने हाल ही में अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, तो आपको आपके वेबसाइट का ट्रैफिक मेंटेन रखने के लिए या अपने SEO रैंक को बरकरार रखने के लिए आपके कंटेंट को अपडेट करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस। तो यार इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये वीडियो एक बहुत ही नॉर्मल सा वीडियो होगा और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप लोग सारी ऐप्स को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मेरे पास ऐप है यहाँ पे ग्रामरली। ओके, ग्रामरली एक ऐसी ऐप है जिसकी मदद से आप लोग आपके ग्रामेटिकल एरर्स को सॉल्व कर पाएंगे। ग्रामेटिकल एरर्स लाइक आप लोग कुछ टेंसेस में फॉल्ट कर जाते हैं या टेंसेस गलत हो जाते हैं, आपके पास्ट प्रेजेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर आप लिखते हैं कुछ ऑटो करेक्शन की वजह से वर्ड्स ख़राब हो जाते हैं। तो कोई भी अगर आपके ब्लॉग पे आ रहा है, वेबसाइट पे आ रहा है, उसको अगर ग्रामेटिकल एरर्स लगेंगे तो वो आपकी दोबारा वेबसाइट पे विजिट नहीं करेगा, और ये एक फैक्ट है। तो ग्रामेटिकल एरर्स को सॉल्व करने के लिए आप लोग ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं। ओके, मेरे लिस्ट में नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे AWD, यानी कि एंड्रॉयड वेब डेवलपर। एंड्रॉयड वेब डेवलपर नाम से क्लियर है, ये आपके एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप लोग आपके वेबसाइट के डिज़ाइन को एडिट कर पाएंगे। आप जैसे यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए आपकी फाइल, आपका CSS, आपका स्टाइल, आपकी PHP, आपकी JavaScript, उसको एडिट कीजिए, नए नए फंक्शन ऐड कीजिए। जैसे आप देते हैं डिज़ाइनिंग, जितना अच्छा होगा उतना ही क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी वेबसाइट को, तो जिसकी मदद से आप लोग आपके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक गेन कर पाएंगे। तो AWD इज़ बेस्ट अगर आप लोग कोडिंग पर्पज़ के लिए आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑल इन वन फेमस ऐप गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स आप लोग जानते हैं रियल टाइम डाटाबेस, आपके डाटाबेस को बताता है कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कौन कौन से कीवर्ड्स के थ्रू आ रहा है, क्या उसका कंपोजिशन है, ट्रैफिक ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, आपके 48 आवर्स में कितने व्यूज़ आए थे। आप उसकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है गूगल एनालिटिक्स में। बट मेक श्योर कि आप लोग गूगल एनालिटिक्स का आईडी आपकी वेबसाइट पे लगाना मत भूलना। नेक्स्ट है मेरे पास क्वोरा। क्वोरा एक बेस्ट ऐप है जिसपे आप लोग क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, आप लोग उनके आंसर्स देते हैं। तो आंसर देने से मतलब है, अगर जस्ट ब्लॉगिंग का टॉपिक चूज़ कर ले, आप लोग पता चल जाएगा कि लोगों को कौन से टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस टॉपिक के बारे में लिख पाएंगे। अगर आप उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं, आप यहाँ पे लिंक शेयर कीजिए, लोग देखते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, और इस मदद से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक भी बढ़ता है और आप लोगों को मदद मिलती है आपके ब्लॉग को थोड़ा पॉपुलर करने में। नेक्स्ट है मेरे पास पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट आजकल हर स्मार्टफोन में हर एंड्रॉयड यूज़र यूज़ कर रहा है। पिक्सआर्ट आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आप लोग ब्लॉग पे आप जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, कुछ आपको इमेजेस ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, तो पिक्सआर्ट एक बेस्ट सोर्स है इमेजेस को ढूंढने के लिए, उसको एडिट करने के लिए। पिक्सआर्ट में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, ये एक फ़ोटोशॉप की तरह काम करता है। तो आप इसमें फ़ोटोज़ ढूंढिए, एडिट कीजिए, अपने लोगो लगाइए, फ़ोटोज़ को अपना बनाइए और उसे अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे डालिए, तो जिसकी वजह से आपको गूगल पे कॉपीराइट का इशू भी कम आएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग पिक्सआर्ट को भी अपने ब्लॉग पे हमेशा यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास सिनेमम SEO। सिनेमम SEO एक ऑल इन वन 50+ टूल है जिसमें 50 से ज़्यादा टूल्स हैं आपके SEO रिगार्डिंग, आपके बैकलिंक्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, आपके एलेक्सा रैंक के बारे में, आपके और देख सकते हैं कि आपका क्या रैंक चल रहा है, ट्रैफिक कितना आ रहा है, ट्रैफिक पे बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट पे कितने लगे हैं, कीवर्ड्स प्रॉपर है कि नहीं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो सिनेमम SEO एक ऑल इन वन मल्टीपर्पज़ टूल है आपके वेबसाइट को ट्रैक डाउन करने के लिए, कि आप पूरी वेबसाइट को देख पाएंगे कि उसमें क्या क्या कमियाँ हैं और उसे एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास ग्रामर चेकर। ग्रामर चेकर अगर ग्रामेटिकल एरर्स आप लोग ग्रामरली यूज़ नहीं कर रहे हैं कीबोर्ड, तो आप लोग ग्रामर चेकर एज अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। एक बार पूरा पैराग्राफ लिख लीजिए और यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट मार दीजिए, और तो ये ऑटोमेटिकली आपके ग्रामर्स को चेक करके उसे एलिमिनेट कर देगा, तो आपको बता देगा कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। तो ग्रामर चेकर भी ग्रामरली की अल्टरनेटिव पे यूज़ किया जाए। बस वर्डप्रेस, अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज़र हैं तो आप लोग जानते हैं इस ऐप का फ़ायदा। इसे आप ब्लॉग को पोस्ट लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ये लाइट वर्जन है आपके वर्डप्रेस का, तो आप लोग जानते हैं कि अगर वर्डप्रेस पे आप यूज़र हैं, वर्डप्रेस को कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट मैं हमेशा रखता हूँ स्क्रीनर अपने पास। स्क्रीनर आप लोग जानते हैं कि आपकी स्क्रीनशॉट्स को आपके डिवाइस के अकॉर्डिंगली बना दिया जाता है, आप फ्रेम मिल जाता है आपको आपके डिवाइस के लिए, आपकी फ़ोटोज़ के लिए फ्रेम है, आपके फ़ोन को आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग एक फ़ोन से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, तो स्क्रीनर आपके लिए एक बेस्ट ऐप हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास चार्टबीट। चार्टबीट एक
बेहद ही बेस्ट ऐप है, बट इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। इस पर साइन अप नहीं किया जा सकता, आपको इसके एज का कस्टमर बनना पड़ता है। तो चार्टबीट को आप लोग अगर वेब पे देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगा, बट चार्टबीट को यूज़ ज़रूर कीजिए।